Ay! Ah, putain! Ah! Que va, c'est chaud! Ay! Mais qu'est-ce que tu fais? हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू हॉररलैंड। और आज मैं आपके लिए एक स्पेनिश थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। इस मूवी का नाम है द पैरामेडिक और ये 2020 में रिलीज हुई थी। तो आज की हमारी इस कहानी में हम एक आदमी की मेंटेलिटी को देखेंगे। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम एक रोड के एक्सीडेंट को देखते हैं जहाँ पर एंजल और रिकार्डो एज अ पैरामेडिक पहुँचते हैं और वहाँ पर पड़े बॉडी के पार्ट्स को कलेक्ट करते हैं, जिसके बाद वे दोनों एम्बुलेंस में बैठकर जाने लगते हैं कि तभी एंजल को उस एक्सीडेंट में मरी एक लेडी का हेलुसिनेशन होता है जिसमें वो बॉडी अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन एंजल जल्दी खुद को संभाल लेता है। फिर इसके बाद में हम एंजल को उसके घर में देखते हैं जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड वानी उसका वेट कर रही थी और कुछ प्रेशियस टाइम स्पेंड करने के बाद वे दोनों इंटीमेट होते हैं। वो दोनों एक बेबी चाहते थे लेकिन उनके रिलेशनशिप को काफी टाइम हो जाने के बाद भी उनका कोई भी बेटा नहीं था, जिसकी वजह से एंजल थोड़ा उदास रह जाता था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग एक ओल्ड लेडी को एक्सीडेंट से रेस्क्यू करने के लिए एंजल जाता है जहाँ पर वो उसके कीमती चीजों को उसकी सिटी के एक लोकल गैंगस्टर को बेच देता है और वो उसकी वेडिंग रिंग को अपने पास में रख लेता है। फिर एक दिन जब वानी और एंजल साथ में डिनर कर रहे थे तो वानी के फोन में किसी का मैसेज आता है जिसे देखकर एंजल उसे रिप्लाई देने का बोलता है, लेकिन वानी उसको बताती है कि मैं रिप्लाई बाद में कर दूंगी और उसे सुनकर एंजल को उस पर थोड़ा शक होता है और इसके बाद में वो अपना मेडिकल चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है और रिपोर्ट में उसे पता चलता है कि उसका स्पर्म काउंट बहुत ही ज्यादा लो है जिसके कारण वो कभी भी पिता नहीं बन सकता है, लेकिन वो ये बात वानी को नहीं बताता है। फिर रात के समय वो उसके साथ में इंटीमेट तो होना चाहता था लेकिन वानी को लाइब्रेरी में काम था जिस वजह से वो वहाँ के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एंजल और रिकार्डो को देखते हैं जो कि एक एक्सीडेंट में एक पर्सन को रेस्क्यू करके उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे कि तभी वो पर्सन मूवमेंट करने लगता है जिसे एंजल संभालता है, लेकिन इसके कारण ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है और उनकी एम्बुलेंस का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है जिसमें रिकार्डो तो बच जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एंजल बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड था जिस वजह से वो अब व्हीलचेयर पर आ गया था। उस एक्सीडेंट के बाद में हम एंजल की लाइफ को देखते हैं जो कि नॉर्मल लाइफ से अब बहुत ही ज्यादा अलग हो गई थी और उसे पूरी तरह से वानी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था अपनी मेडिसिन, अपने खाने, सब चीजों के लिए, लेकिन वानी भी यहाँ पर उसका पूरा सपोर्ट करती है और वो उसकी हर छोटी और बड़ी जरूरत का ध्यान भी रखती है जिसे देखकर एंजल उसे इमोशनली अटैच हो जाता है। फिर इसके बाद हम वानी को दोबारा से लाइब्रेरी जाता हुआ देखते हैं जहाँ पर एंजल उसे पूछता है कि तुम इतने अच्छे से तैयार होकर किससे मिलने जाती हो, और ये सुनकर वो उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। एंजल को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो अगले दिन एक हैकिंग की ट्रिक को यूट्यूब से सीखता है, जिसके बाद वो वानी के फोन में एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है जिससे कि वो वानी की कॉल रिकॉर्डिंग, चैट्स और कैमरा सब कुछ एक्सेस कर सकता है। अगले दिन हम एंजल को एक्सरसाइज करता हुआ देखते हैं जिससे कि वो अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, और उसी दिन उसके घर पर रिकार्डो आता है जो कि एंजल से उस एक्सीडेंट के बारे में सॉरी बोलता है, लेकिन वो उससे काफी रूडली बात करता है क्योंकि उसे लगता था कि रिकार्डो के कारण आज उसकी कंडीशन है, और उसे ऐसा बोलता देखकर वानी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एंजल कहता है कि उसकी ही वजह से मैं आज व्हीलचेयर पर हूँ और वो आज बिल्कुल ठीक है। अब हम एंजल को देखते हैं जो कि वानी के फोन में उस सॉफ्टवेयर की सेटिंग को कर देता है और अब वो वानी के मोबाइल फोन की सारी डिटेल को अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सकता था। उसी रात को एंजल जब अपने बेड पर सो रहा था तो उसके पैरों में बहुत दर्द होता है जिससे कि वो बेयर नहीं कर पाता है, और उसके नेबर का डॉग भी उसे काफी ज्यादा भौंक रहा था और इन सब से इरिटेटेड होकर वो पूरी रात सो नहीं पाता है। अगली मॉर्निंग वो अपने नेबर के पास उसके डॉग की कंप्लेंट करने जाता है जिसके जवाब में वो ओल्ड मैन एंजल से कहता है कि उसकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है जिस कारण उसे आधी रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा था और घर पर किसी के भी नहीं होने की वजह से वो सारी रात भुगतता रहा, और हम एंजल को उसकी एक्सरसाइज वाली नर्स जिसका नाम सेंड्रा होता है उसके साथ देखते हैं जहाँ पर वो उस दिन ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहता था और उसे थोड़ा वर्कआउट करवाने के लिए सेंड्रा उसकी व्हीलचेयर को उससे दूर रख देती है और एंजल अपनी व्हीलचेयर पर जाकर बैठ जाता है।
अगले सीन में हम वानी और एंजल को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर वानी उसे बताती है कि वो एक इंटर्नशिप करना चाहती है, जिसमें स्टार्टिंग में तो वो ज्यादा कुछ अर्निंग नहीं कर पाएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो उस इंटर्नशिप से काफी पैसे कमा सकती है। लेकिन एंजल यहाँ पर उसे मना कर देता है और बताता है कि अब तुम्हारे पैसों से ही हमारा घर चल रहा है, क्योंकि मेरी पेंशन इतनी ज्यादा नहीं है जो कि हम दोनों को जिंदा रख सकती है। फिर उसी रात को एंजल को उसके पैरों में दोबारा से बहुत पेन होता है और अपने मेडिसिन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे मेडिसिन कहीं नहीं मिलती है। और दूसरी साइड वो डॉग भी बहुत ज्यादा भौंक रहा था, जिस कारण एंजल काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और सीन यहाँ पर कट होता है। अगली मॉर्निंग वो वानी पर बहुत गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात तकलीफ में रहा, जिसे सुनकर उसे काफी बुरा लगता है और वो एंजल की मेडिसिन को लेने के लिए चली जाती है। फिर हम एंजल को देखते हैं जो कि एक मीट के पीस में कुछ नुकीली पिंस लगाकर अपने नेबर के डॉग को खिला देता है और उसे खाने के बाद में वो बेचारा डॉग मर जाता है। अगले दिन हम एंजल को वानी की कॉल रिकॉर्डिंग को सुनते हुए देखते हैं, जिसमें वानी की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें एंजल को छोड़ देना चाहिए, और उसका जवाब देते हुए वानी ये कहती है कि मैंने भी उसे कभी प्यार नहीं किया। और उसे सुनकर एंजल बहुत इमोशनल हो जाता है और वो उस रात को वानी के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए अपने घर को सजाता है और उसके लिए एक ड्रेस भी लेकर आता है। फिर वानी जब घर आती है तो एंजल को ये सब करता देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एंजल के दिए हुए ड्रेस को भी पहनती है और वो दोनों अब इंटीमेट भी होते हैं। फिर रात में जब एंजल शॉवर ले रहा था, तभी वानी के फोन पर किसी का कॉल आता है और उसका नोटिफिकेशन एंजल के लैपटॉप पर आ जाता है और उसे वानी देख लेती है और वो उस सॉफ्टवेयर के बारे में जान जाती है। उसे जानने के बाद में वानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपने सारे कपड़े वहां से पैक करके वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। और एंजल जब बाहर आता है तो वो वानी को दिया हुआ उसका ड्रेस देखता है और अपने लैपटॉप में वानी के कॉल का नोटिफिकेशन देखकर वो समझ जाता है कि वानी ने ये सब जान लिया है और वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। अब काफी समय गुजर जाता है और अब एंजल अकेले ही अपनी लाइफ को मैनेज कर रहा था, लेकिन वो एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसे डिसेबल बोले। फिर एक दिन उसे वानी नजर आती है और वो उसका पीछा करता है, जहाँ पर वो देखता है कि वानी का अफेयर रिकार्डो के साथ में चल रहा है। उसे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन दोनों को एक क्लिनिक के बाहर बैठा देखता है, क्योंकि रिकार्डो और वानी काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे और उन्हें अब एक बेबी भी होने वाला था। और ये सब देखकर एंजल को लगता है कि रिकार्डो ने उसका एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया था, जिसका बदला लेने के लिए अपने एक फ्रेंड की हेल्प से हॉस्पिटल से इलीगली कुछ मॉर्फिन ले आता है। और बाद में वो वानी से कुछ बात करने के लिए मिलता है और वो उसे घर चलने का बोलता है। ये सब सुनकर वानी पहले तो मना कर देती है, लेकिन एंजल के बार बार इंसिस्ट करने पर वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। जब वो वानी घर में जाती है तो एंजल के घर की ऐसी हालत देखकर उसे एंजल पर थोड़ा तरस आ जाता है, लेकिन एंजल यहाँ पर मौका पाते ही वानी को मॉर्फिन इंजेक्ट करके उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो उसे बेड पर बांध देता है और उसकी आवाज कोई बाहर का शक न सुन सके, इसलिए वो लाउड म्यूजिक भी प्ले कर देता है। फिर अगली मॉर्निंग वो वानी के फोन से रिकार्डो को मैसेज करता है कि अब मैं तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हूँ। और इतना टाइप करने के बाद में वो वानी के फोन को पानी में फेंक कर वहां से चला जाता है। अब हम वानी को होश में आते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन एंजल उसे कहता है कि मैं तुम्हारे और रिकार्डो के अफेयर के बारे में जानता हूँ। और फिर रात में हम एंजल के नेबर को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे कहता है कि कल तुम्हारे घर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और उसके जवाब में वो उसे बताता है कि कल मैंने एक प्रोस्टिट्यूट को अपने घर पर बुलाया था। और उसके बाद को वो ओल्ड मैन सच मान लेता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब एंजल सैंड्रा के साथ में एक्सरसाइज कर रहा होता है तो काफी ज्यादा खुश था और सैंड्रा उसकी खुशी की वजह पूछती है, तो वो उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। और उसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर रिकार्डो एंजल की बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ था और उसे देखकर एंजल उसके पास आता है। वो रिकार्डो यहाँ पर उसे उसके और वानी के रिलेशनशिप के बारे में बताता है और पूछता है कि कुछ दिनों से वानी गायब है और क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। और जवाब में एंजल उसे मना करके वहां से चला जाता है। अब हम एंजल को वानी से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एंजल उसे कहता है कि तुम्हें जाकर शॉवर लेना चाहिए, लेकिन वानी के लेग्स मॉर्फिन के ओवरडोज की वजह से पैरालाइज्ड हो गए थे और उसे तकलीफ में देखकर एंजल बहुत खुश था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस एक्सीडेंट के बाद में एंजल का बिहेवियर काफी चेंज हो गया था और वो ऑलमोस्ट एक मेंटल पेशेंट ही बन गया था।
फिर वो वानी से उसके बेबी के बारे में बातें करता है और यहाँ पर हम उनके बेड के पास में ही एक बेबी के बेड को भी देख पाते हैं और मौका देखते ही वो एंजल के सर पर शराब की बोतल से अटैक करती है और वहां से भागने की ट्राई करती है, लेकिन एंजल उसे दोबारा से पकड़कर बेड से बांधता है और इन सब की आवाज सुनकर उसका नेबर दोबारा वहां पर आ जाता है और एंजल के सर पर खून को देखकर वो घर के अंदर चेक करने के लिए घुस जाता है और पीछे से एंजल उसे चाकू से स्टैब करके मार डालता है और वो उसकी बॉडी को उसी लोकल गैंगस्टर को कुछ पैसे देकर बेच देता है। फिर एंजल वानी के पॉकेट से रिकार्डो के घर की चाबी लेता है और उसके घर जाता है, जहाँ पर वो बाथरूम में छुपकर रिकार्डो के आने का इंतजार करता है और जैसे ही वो अंदर आता है तो वो उसे भी मारकर बेहोश कर देता है और उसे अल्कोहल पिलाकर मार डालता है ताकि पुलिस को ये लगे कि रिकार्डो की डेथ अल्कोहल के ज्यादा कंजम्पशन की वजह से हुई है। फिर अगली मॉर्निंग जब पुलिस को रिकार्डो की डेड बॉडी मिलती है तो वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए एंजल के पास आते हैं, जहाँ पर एंजल काफी चालाकी से पुलिस से झूठ बोल देता है और पुलिस को उसके घर में काफी सारी पेन किलर्स के साथ मॉर्फिन भी मिलती है और उसके जवाब में एंजल अपने पैरालिसिस का बहाना करते हुए पुलिस से झूठ बोल देता है और पुलिस उसे इनोसेंट समझकर जाने देती है। अब हम एंजल और वानी को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर एंजल उसे वही वेडिंग रिंग जो कि उसने एक ओल्ड लेडी के एक्सीडेंट के बाद में चुराई हुई थी और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। यहीं पर वो वानी को उसके बेबी के लिए लाया हुआ वॉकर भी दिखाता है, लेकिन वानी उसके प्रपोजल का कोई भी रिप्लाई नहीं देती है और इसके बाद में वो बाथरूम में फ्रेश होने जाती है, जहाँ पर वो एंजल को बाहर वेट करने का बोलती है और अंदर वो एक शार्प नाइफ को अपने पास में छुपा लेती है। इसके बाद हम एंजल को देखते हैं जो कि उसकी मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी तक जाता है और पीछे से मौका पाकर वानी उसी नाइफ से खुद को आजाद कर लेती है और अपने व्हीलचेयर तक चली जाती है, लेकिन वो वहां पर पहुंचने से पहले ही गिर गई थी और बिना किसी सपोर्ट के वो खड़े नहीं हो सकती थी। फिर वो क्रॉल करते हुए आगे रूम को खोलती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एंजल आ जाता है और उसे भागता देखकर वो उसे पकड़ने के लिए वानी के पीछे पड़ जाता है और यहाँ पर वो वानी तक पहुँच कर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वानी उसी नाइफ से एंजल पर अटैक करती है और डिसबैलेंस होकर वो उन स्टेयर के टॉप फ्लोर से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर हमें लगता है कि एंजल मारा गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। सीन अगेन कट होता है और हम एंजल को एक हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जहाँ पर इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से अब उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी और तो और वो किसी से भी अब बात नहीं कर सकता था। फिर यहाँ पर वानी आती है जो कि एंजल को अपने साथ में ले जाती है और वो एंजल के कानों में बोलती है कि मैं तुम्हें उतना ही दर्द दूंगी जितना कि तुमने मुझे दिया है, और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने एक साइको आदमी एंजल को देखा जो कि अपनी मोहब्बत को एक एक्सीडेंट के बाद में अपनी इलनेस के चलते बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है। उसे अपने एक्सीडेंट के बाद में ऐसा लगता है कि वानी उसे छोड़कर चली जाएगी और उसके इस बिहेवियर से ऐसा हुआ भी, लेकिन वो यहाँ तक भी नहीं माना। उसने वानी को किडनैप किया और उसे बहुत ही टॉर्चर किया, लेकिन कहते हैं ना, जैसा आप दूसरों के साथ में करते हैं आपका सपने ही वैसा होता है, और इन द एंड ठीक वैसा ही एंजल के साथ में भी हुआ। और तो और पहले तो एंजल सिर्फ व्हीलचेयर पर था, लेकिन अब उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी थी और अब वो बोल भी नहीं सकता था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको द पैरामेडिक मूवी का एक्सप्लेनेशन? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर जाइएगा, क्योंकि जल्दी आपके लिए और भी ज्यादा हॉरर और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।